हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो आप जानते ही होंगे, लेकिन तीन ऐसे प्रोमिनेंट ड्राई फ्रूट्स के बारे में आज हम बात करेंगे जिसके फ़ायदे नुकसान आपको मैं बताऊंगी और आप उसे किस तरह से खा सकते हैं और किस तरह से उसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए जिससे आपको भरपूर फ़ायदे मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप देख रहे हैं NBT लाइव और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। तो ड्राई फ्रूट्स तो हमने अक्सर खाए हैं और ये भी सुना है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये बात कहते हैं कि आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। तो ये तो हमको पता ही है कि ड्राई फ्रूट जो हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो तीन ड्राई फ्रूट्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये तो आपके लिए रामबाण का काम करने वाले हैं, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, आपके लिए ये तीनों ही बेस्ट है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ड्राई फ्रूट्स में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कॉपर अच्छी मात्रा में होते हैं और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिससे आपको कई सारी प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। हमने अक्सर सुना है कि खाली पेट बादाम खाने से आपको कई फ़ायदे मिलते हैं, हालाँकि अगर आप रोज़ाना काजू के साथ बादाम और किशमिश खाएं, यानी कि ये तीनों ड्राई फ्रूट्स खाएं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो आपको दुगने फायदे हो सकते हैं। काजू बादाम और किशमिश अगर हम एक साथ कॉम्बिनेशन में खाते हैं, यानी कि मिक्सचर इसका खाते हैं, तो क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आपका वज़न कंट्रोल हो सकता है। आजकल ओबेसिटी बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को अगर उनका वज़न बढ़ जाता है। तो आसान सा तरीका है, आप काजू बादाम और किशमिश ज़रूर खाएं। अब इसे क्या खाना कैसे है, इसमें फाइबर जो है वो भरपूर मात्रा में होता है, ये आप रात को भिगो दीजिए तीनों को ही और सुबह खाली पेट खाइए। इससे आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा और आपकी बॉडी में काफ़ी स्टैमिना आएगा ताकि आप वर्कआउट कर सकें और अपने जो फैट को बर्न कर सकें। वहीं दिमाग के लिए भी ये तीनों ही काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं। हमने अक्सर ये भी सुना है कि दिमाग को तेज़ करने के लिए बादाम खाया जाता है, लेकिन अगर आप काजू और किशमिश भी इसके साथ खाएं ना, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा और तेज़ चलेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये होता है कि दिमाग में ठंडक पहुंचती है, यानी कि दिमाग ठंडा रहता है, आपको गुस्सा ज़्यादा नहीं आता है, एंगर के आप शिकार नहीं होते हैं। ख़ास तौर पर अगर आप बच्चों के मानसिक विकास को बेहतर करना चाहते हैं तो रोज़ाना इन्हें काजू बादाम किशमिश भिगो कर खिलाइए, ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। वहीं बुज़ुर्गों के लिए भी ये काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर को भी कंसल्ट करना होगा। कई लोगों को इससे गर्मी भी हो जाती है या फिर कोई रिएक्शन भी हो जाते हैं, तो इसके लिए आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए अगर आप एक एज से ज़्यादा ऊपर इंसान को खिला रहे हैं तो। लेकिन दोस्तों ये आपकी शारीरिक ताकत को भी बढ़ाता है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। फिज़िकल पावर बढ़ाने के लिए भी आप काजू बादाम और किशमिश इन तीनों को ही खाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ही नहीं, ये आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करेगा। अगर आप अपने शरीर में खून बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ाना काजू बादाम और किशमिश खाइए, ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। किशमिश से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। वहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है, यानी कि पेट की गड़बड़ी जिन लोगों को रहती है, उनको भी ये खाना चाहिए, ये आपके डाइजेशन को मजबूत करता है। काजू बादाम और किशमिश खाने से आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा और ये आपकी कब्ज़ की प्रॉब्लम को भी दूर कर देगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी दूर कर देगा, गैस बनती है उसको भी दूर कर देगा। तो दोस्तों खाना कैसे है, रोज़ाना आप 2 से 3 बादाम, 2 से 3 काजू और 4 से 5 किशमिश पानी में भिगोकर रात को रख दें और सुबह बादाम छील कर खाएं, और काजू आप वैसे ही खा सकते हैं, और किशमिश जो है वो फूल जाती है, इससे आपके शरीर को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है, ये आपके शरीर को पावर देती है। किशमिश खाने से खून भी बढ़ता है, ये हम आपको बता ही चुके हैं, और यही इसका सही तरीका है खाने का अगर आप उसको पूरे फायदे चाहते हैं तो। कुछ लोग ऐसे हैं कि नमकीन की तरह या फिर स्नैक की तरह इसको ऐसे ही मुंह में डाल के खा लेते हैं, पर उसके उतने फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। तो ये तीन जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये आसानी से मार्केट में आपको मिल जाते हैं और उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है बाकी ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले, तो आप इन्हें इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और डेली अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन ताकि इस तरह की वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।